देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जो मैंने अप्लाई करा था ऑनलाइन सर्टिफिकेट क्लास 12th का, वो कैसा दिखता है। तो आप भी खुद ही हैरान हो जाएंगे जब आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो है ये ओरिजिनल है। ये देखिए, आज से आप मार्कशीट के लिए अप्लाई करेंगे तो मार्कशीट भी आपकी ओरिजिनल आएगी, आपके सब्जेक्ट लिखे होंगे, रोल नंबर, पेरेंट्स नेम लिखा होगा, और यहाँ पे आप देखेंगे डुप्लीकेट लिखा हुआ है। तो आप कहीं भी जाएंगे तो आपके ये वैलिड ही माना जाएगा। आप CBSE भी जाएंगे तो वो भी आपको यही कहेंगे, आप ऑनलाइन जो है अप्लाई करें, ये प्रोसीजर है। अब तो आप फटाफट से कैसे करना है देखते हैं। आपका स्वागत है ACE स्टार्टर में। देखिए, CBSE ने जो है बहुत ही अच्छा रूल निकाल दिया है, और बहुत पहले ही निकाल दिया था, बट बच्चों को पता नहीं अभी तक। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी 10th की या 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट खो गया है या चोरी हो गया है, और या आपने नया निकलवाना है, तो आप जो है घर बैठे ही पूरा प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं अपने फ़ोन से। आपको कहीं नहीं जाना। पहले क्या होता था, CBSE बिल्डिंग जाना होता था, अखबार में निकलवाना पड़ता था, चक्कर लगाने पड़ते थे। ऐसा कुछ नहीं है, अब CBSE ने बहुत इजी वे में आपके लिए सुविधा कर दी है। देखिए, और बहुत ही सिंपल प्रोसेस रहेगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप 3 तरीके से भी जो है अपनी मार्कशीट निकलवा सकते हैं या सर्टिफिकेट जो भी आप अप्लाई करेंगे। देखिए, बाई हैंड भी है इसके लिए अवेलेबल ऑप्शन, आप जो है CBSE ऑफिस जाके निकलवा सकते हैं, ले सकते हैं, और बाई पोस्ट भी है। और अगर आपको अर्जेंट में निकलवानी है, मतलब आपको चाहते हैं कि फटाफट से मेरे पास 1-2 दिन में या हफ्ते के अंदर अंदर जो है मुझे सर्टिफिकेट मार्कशीट या जो भी आप अप्लाई करेंगे वो आ जाए, तो उसके लिए भी ऑप्शन जो है अवेलेबल है। आपको बस फीस जो है वो आपको देनी पड़ेगी, वो भी ऑनलाइन। तो क्या प्रोसीजर है, तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आपको CBSE की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर आना है। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है। तो उसके बाद आपको जो है नीचे आना है, ठीक है, और मैं अपने फ़ोन से ही कर रहा हूँ, आप भी अपने फ़ोन से कर सकते हैं बहुत ईजी वे में, बस आपको स्टेप जो है फॉलो करने हैं, ठीक है। नीचे आना है ऐसे, ठीक है, और लास्ट में आप देखेंगे बोर्ड एग्ज़ाम दिया गया है ये ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है इस एरो पे, ठीक है। एरो पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको नीचे आना है थोड़ा, ठीक है, फिर आप इस ये जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है, थोड़ा नीचे लाना है, ठीक है, लाना है ऐसे धीरे 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 धीरे। देखिए, यहाँ पे जो है ऑप्शन आएगा आपके पास डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट करेक्शन इन पार्टिकुलर्स, तो आपको उस पर क्लिक करना है। और मैं खुद CBSE बिल्डिंग गया था वेरीफाई करने के लिए, जो हम ऑनलाइन मंगवाते हैं मार्कशीट सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो ओरिजिनल होगा नहीं होगा, तो उन्होंने साफ कह दिया वो ओरिजिनल ही होगा, आप कहीं भी दिखा सकते हैं, नहीं ठीक होगी। है। तो आपको उस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको इस प्रोसीजर पर क्लिक करना है, फिर आप जो है आपके सामने ऑप्शन आ गए हैं, आप अपनी फ़ीस देख सकते हैं। अगर आपको आपकी मार्कशीट खो गई है, 10 साल हो गए उसको, जब 5 साल हो गए, 20 साल हो गए, जब 20 साल से ऊपर हो गए हैं, तो उसकी भी फ़ीस यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आप ये PDF है, देखिए, ठीक है। अगर आपके 5 साल हुए हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल हुए हैं, तो आपको 250 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी ऑनलाइन। 5 से 10 साल हो गए तो 500 है, 10 से 20 साल हो गए तो 1000 रुपये हैं, 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो 2000 रुपये हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये सारा फीस जो है दी गई है, ठीक है। और बाकी आप इसकी टेंशन मत लीजिए, जब आप अप्लाई करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो उसके सामने आपके जो भी जितने भी साल हुए होंगे उसके हिसाब से जो है वो आ जाएगा फीस, ठीक है ना। जो भी आप ईयर सेलेक्ट करेंगे लास्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। आप ये तो फीस की मैंने आपको दिखाई दी है, और आपको जो है थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पे आप देखेंगे प्रोसीजर, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद फिर आपको डुप्लीकेट इस पर आपको क्लिक करना है ऑप्शन पे, फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देखेंगे नीचे ऑप्शन है। देखिए, आपको डिजिटल अगर अपने फ़ोन में रखनी है 10th या 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो उसके लिए भी ऑप्शन है यहाँ पे, जो डिजी लॉकर होता है उसके थ्रू वो भी ओरिजिनल माना जाता है, ठीक है। बाकी आप निकलवाना चाहते हैं तो आपको उस पर क्लिक करना है, और यहाँ से जो है नीचे आप देखेंगे, यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन, मतलब आपकी कहाँ तक पहुँची है, अंडर प्रोसेस दिखा रहा है या सक्सेस दिखा रहा है, वो सारा आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे। और अगर आपके अप्लाई कर दिए, आपको एप्लीकेशन नंबर जो मिला हुआ उसके आईडी अगर आप भूल जाते हैं, तो यहाँ से दोबारा भी निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो मैं इसलिए बता रहा हूँ पहले, क्योंकि बच्चे बाद में कमेंट करेंगे सर मैं एप्लीकेशन नंबर भूल गया ये भूल गया, तो उसके लिए पहले ही मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आपको सिंपल जो है इस पर क्लिक करना है। अब देखिए आपके सामने मार्कशीट, माइग्रेशन, पास सर्टिफिकेट है, आप इनमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपका खोया है। यहाँ पे आप देखेंगे सिलेक्ट क्लास, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है क्लास, आप कौन से क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्लास 10th के लिए या 12th के लिए, आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे मेरा 10th क्लास से सर्टिफिकेट खो गया है या चोरी हो गया, तो मैंने क्लास 10th जो है सिलेक्ट कर दी है। ठीक है, अब आपको जो है रोल नंबर डालना है यहाँ पे, जो अभी आपके सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट में होगा। ठीक है, जब मार्कशीट पे हो आपको रोल नंबर यहाँ पे सबमिट करना है। आपने 10th क्लास का पास करी है वो आपको ईयर सेलेक्ट करना है, जब भी आपने पास करी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मैंने 2005 में जो है पास करी है क्लास 10, तो मैंने 2005 सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे आपका जो है नाम वो आपको यहाँ पे फिल करना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट में हुआ वही आपको फिल करना है। ये नहीं है कि आप कोई भी नाम डाल देंगे, अगर आपका पूरा नाम लिखा है डॉक्यूमेंट में आपको पूरा नाम डालना है। ठीक है, अगर आपका छोटा ही नाम है तो आपको सिर्फ सिंपल नाम लिखना है यहाँ पे। और ऐसे ही जो है फादर नेम आपके जो भी डॉक्यूमेंट में होगा, जो भी आपके सर्टिफिकेट या माइग्रेशन जो भी अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है, तो उसके बाद आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। और जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी डिटेल आ जाएगी, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, यहाँ फादर नेम आ जाएगा या मदर नेम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी क्लास जो आपने सेलेक्ट करी है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको सिंपल जो है कंट्री सेलेक्ट करनी है इंडिया, यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है, हाउस नंबर, यहाँ पे गली है नंबर डालना है, एड्रेस 3 में आप आपकी जो लोकेशन होगी वो डालनी है, फिर आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है आप कौन से स्टेट से हैं। ठीक है, दिल्ली से हूँ, दिल्ली मैंने सेलेक्ट करा है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ईस्ट वेस्ट जो भी है तो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको पिन जो है कोड आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। और उसके बाद जो है यहाँ पे स्पेशल लिखा है जो वर्किंग मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, जो आपके पास है चलता है तो आपको फिल करना है, जिसमें इनकमिंग आउटगोइंग दोनों आती हो। और यहाँ पे आपके सामने देखेंगे 3 ऑप्शन है, बाय पोस्ट, बाय हैंड और अर्जेंट। बाय पोस्ट का मतलब ये है कि आपको कहीं नहीं जाना है, आपके घर पे जो है जो डाके होंगे वो आपके घर पे दे देंगे। इसमें जो टाइम लगेगा, मैंने जो मंगवाया था उसमें कम से कम 20 से 25 दिन लगे थे आने में। बाय हैंड का मतलब आपको जो है CBSE जो है वहाँ जाना होगा खुद लेने। ठीक है, और अर्जेंट का आप देख रहे हैं यहाँ पे, अर्जेंट का मतलब ये है कि जैसे कि 20 से 25 दिन लगे थे बाय पोस्ट, अर्जेंट में क्या है कि आपको हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक है, मिल जाएगी जो भी आप अप्लाई करेंगे। और अगर आप अर्जेंट से मंगवाते तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने दिन में आई है। ठीक है, बाय पोस्ट मंगवा रहे तो आपको बाय पोस्ट पे क्लिक करना है, जो भी आपके हिसाब से जो भी आप चाहते हैं वो आपको उस पर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्स, आप क्या अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप तीनों अप्लाई करना चाहते हैं तो तीनों पे आपको क्लिक करना है। अगर आप सिर्फ मार्कशीट अप्लाई करना चाहते हैं तो मार्कशीट पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। ठीक है, जो भी आपके पास है, आधार है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, गवर्नमेंट इशू को भी फ़ोटो आईडी है वो आप अपलोड कर देना। ठीक है, आपको उस पर क्लिक करना है चूज़ फाइल पे, फिर जो भी आपकी लोकेशन होगी वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी जो फाइल होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, मैंने तो एग्जांपल के लिए डाली है। फिर आपको अपलोड पे क्लिक करना है, तो आपकी अपलोड हो गई है। तो आप जब थोड़ा फिर नीचे आना है, यहाँ पे जो है अपलोड ऑफ कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट डेट आर रिक्वायर्ड, मतलब कि जो आप चाहते हैं मंगवा रहे हैं वो आपकी कॉपी आपको अपलोड करनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई इसमें लिखा हुआ इफ़ अवेलेबल, आपके पास है तो आप जो है अपलोड करें, नहीं तो छोड़ दीजिए। यहाँ भी जो है आप एड्रेस प्रूफ अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो उसको भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको सिंपल जो है कंटिन्यू टू पे पे क्लिक करना है। ठीक है, आपकी एक बारी दोबारा से सारी डिटेल आ जाएगी, आप चेक कर सकते हैं सब कुछ। उसके बाद जो है यहाँ पे आपके सामने अमाउंट आ जाएगा 1100, मतलब कि जो भी आपने ईयर सेलेक्ट करा हो उसके हिसाब से इन्हें 1100 रुपये ले लिया है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन मोड जो है सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसको आपको पे पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन आईडी आ जाएगी, आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे स्कूल नंबर आ जाएगा, आपका रोल नंबर आ जाएगा, आपने कब पास करी है, अमाउंट आ जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट आ जाएगी, आपको उस पर क्लिक करना है प्रोसीड टू पेमेंट पे। उसके बाद पेमेंट कैसे करना चाहते हैं,
तो ये आपके सामने ऑप्शन है, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, आप जो से ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको जो है ये सारे डिटेल फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको जो है प्रोसीड पे क्लिक करना होगा, ठीक है, तो उसके बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी सक्सेसफुली, ठीक है। अब ये जो है नोट कर लेना एप्लीकेशन नंबर जरूर, जिससे कि आप अपना स्टेटस जो है चेक करते रहे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके अभी भी मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।